Good morning, dear UN Commerce and UN Science students. I hope you all are safe at home and trying to study the lectures which we are trying to do on the YouTube and trying to impart your education. Though the schools have not started, we are trying our best so that you can study in a complete better way and try to make your future. So here we are again continuing with Flamingo poem number 1, which is Mine over at 66. Return by Kamala Das. What is the gist of this poem? Poetess was worried and had no willingness to accept that her mother was old. वो कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि मेरी माँ बूढ़ी नहीं है और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि भाई मेरी माँ बूढ़ी ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी एंड एक दिन मर जाएगी. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी. She tried to divert thoughts, अपने thoughts को divert करने की कोशिश करती थी by thinking about her childhood. चाइल्डहुड के बारे में तब उसकी मदर यंग थी. ये सब चीजें वो सोचने की कोशिश करती थी. स्टिल उसको एक डर था कि एक दिन मेरी माँ गुजर जाएगी. तो उसके बारे में ये पोएम है. मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ. द पोएट इज कमला दास हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स. पोएट इज थी कमला दास जो अपने पेरेंट्स को मिलने गई. वन मंथ फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज रिटर्निंग एंड द मदर वॉज कमिंग. एक दिन वो रिटर्न हो रही थी और उसकी मम्मी आने वाली थी. उस ईयर ऑफ उसकी माँ को जो है एयरपोर्ट पे छोड़ने आ रही थी. कोची जो अब कोची बोला जाता है. ऑन द वे शी नोटिस्ड हर मदर. रास्ते में उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि मेरी मदर है जो कार में साइड में सो रही है. स्लीपिंग बिसाइड हर कार. तो साइड में सो रही है और उनका मुंह खुला हुआ था. नाइट ऑफ फेस वॉज पेन उतरा हुआ फेस लाइक शी लुक लाइक अ डेड बॉडी. डेड बॉडी जैसी पेल एंड फ्री. अजीब सा उतरा और वीक एकदम कमजोर लग रही थी. ये सोच रियलाइजेशन दैट मदर वाज नाउ ओल्ड वाज अनएक्सेप्टेबल टू वर्ड्स. कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, ऐसा मैं कैसे सोचूं. वो थॉट जो है वो उनको स्वीकार नहीं था. वो थॉट वो कैसे भी करके दिमाग से निकालना चाहता. शी वॉज पेन्ड बाय द थॉट. क्योंकि उनको वो थॉट से पेन हो रहा था, मेंटल पेन हो रहा था, उनको अंदर से डर लग रहा था. शी लुक आउटसाइड. उसने बाहर देखने की कोशिश की. पोएट्रेस ट्राइंग टू पुट आउट द डिस्टर्बिंग थॉट. ये परेशान करने वाला विचार नहीं आना चाहिए. मैं बाहर देखती हूँ. एज द कार मूव्ड शी वाज सो यंग ग्रीन ट्रीज. उन्होंने कार जैसे पास हुई तो पोएट्रेस ने देखा खिलखिलाते हुए यंग ट्रीज पेड़ थे. सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जो हम अगर कार में जाते हैं तो ट्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मूव हो रहे हैं ऐसा लगता है. समय कितना निकल गया. मेरी माँ यंग थी, अब बूढ़ी हो चुकी है. वो उनको एहसास होने लगा. ट्रीज रिप्रेजेंटेड लाइफ. ट्रीज को रिप्रेजेंट किया है लाइफ टू वर्ड्स. क्या ट्रीज जो है छोटे होते धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और एक दिन मर भी जाते हैं. इस तरह से लाइफ भी इंसान पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, एक दिन बूढ़ा होता है और मर जाता है. उसके साथ कंपेयर किया गया है. लाइक बाय द मदर सीम टू बी गोइंग क्लोजर टू अदर. इस तरह से उनकी माँ भी मौत की तरफ नजदीक जा रही है. शी सॉ सम मैनी चिल्ड्रन रशिंग फ्रॉम देयर होम्स टू प्ले. उन्होंने देखा कुछ बच्चे है वो घर की तरफ दौड़ रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं. This scene reminded her of her childhood. और इस सीन से उन्हें अपना बचपन याद आया. When her mother was young, उनकी माँ जब जवान थी, she remembered her own youth. उन्हें अपना यूथ याद आया, अपना यंग एज याद आया, full of energy. तो यहाँ देखने जाए तो यूथ जो है इसमें इंसान के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है. वो अपने माँ और खुद के यंग एज की सोचने की वो कोशिश कर रहे. लाइफ में यंग एज सबको प्यारी होती है क्योंकि बहुत खुशियां होती है, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है. आप हो सके उतने काम कर सकते हो, आप बीमार जल्दी नहीं पड़ते हो. यंग एज बहुत बढ़िया एज होती है. तो उनके थॉट्स अभी जो चल रहे थे दिमाग में वो टोटल कॉन्ट्रास्ट है. जो उनकी माँ दिख रही थी उससे कॉन्ट्रास्ट है क्योंकि उनकी सोच में क्या था. यंग एज की मदर यंग, वो यंग, ये सब सोच रहे थे. और सामने जो उनकी माँ दिख रही थी वो एकदम फिर आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट एंड
finishing the security check. उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचे और सिक्योरिटी चेक खत्म किया. सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है एयरपोर्ट पे. वेटर्स लुक एट द मदर. वेटर्स ने अपनी मां की तरफ देखा. एंड अगेन शी फेल्ट दैट शी वाज एज़ पेल एज़ द विंडोज. उन्हें लगा कि ये एकदम सा धुंधला चेहरा है जैसे कि मून होता है विंटर में. एज़ शी बिड गुडबाय टू हर मदर. उन्होंने बोला मां को गुडबाय. शी एक्सपीरियंस द ओल्ड फैमिली. वापस वही थॉट आया मेरी मां बूढ़ी हो चुकी है मर जाएगी. वही थॉट आया राधर को आना चाहिए था मैंने उनके साथ अच्छी लाइफ कैसे स्पेंड की. और चाइल्ड विद फियर दैट हर मदर मे नॉट लिव लॉन्ग. बचपन से उन्हें डर था कि मेरी मां ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी. वो डर गलत था. शी फेल्ट दैट मे शी वाज सीइंग अ मदर फॉर द लास्ट टाइम. ऐसा डर नहीं होना चाहिए. हर इंसान का जीवन होता है उसके बाद मौत होती है. तो उन्हें ये थॉट से क्या लगने लगा एक दिन मेरी मां जरूर मर जाएगी और मैं अब उन्हें लास्ट टाइम के लिए तो नहीं देख रही हूं. ऐसा वर्ड इस दिमाग में आया. She tried to hide her own pain. उन्होंने अपना खुद का दुख छुपाने की कोशिश की. वर्ड इस ने खुद का दुख छुपाने की कोशिश की. Behind her smile, smile करने की कोशिश की अपनी मदर को. She told her mother that she would see her soon. कि माँ को बोला कि मैं जल्दी आपको मिलूंगी. और ये जल्दी बोलना और स्माइल देना खुद को जो है श्योरिटी देना था. श्योरिटी देना था कि वो और उसकी मम्मी जरूर मिलेंगे. माँ को नहीं दे रही थी एश्योरेंस वो अपने आप को दे रही थी. शी ट्राइड टू एश्योर हर ओन सेल्फ एंड हर मदर. दोनों को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों जरूर मिलेंगे. तो इनडायरेक्टली सांत्वना क्या हुआ कि मेरी माँ अभी भी जिंदा रहेगी मैं उनको जल्द मिलूंगी. तो वो अपने डर को निकालने की कोशिश कर रही थी. हर एक इंसान को अपनी माँ प्यारे होती है राइट. किसी की भी माँ चली जाती है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है. तो वर्ल्ड का ये दुख हम डेफिनेटली समझ सकते हैं. तो मैं इसे एक मैसेज देना चाहूंगा बच्चों कि आपके माता पिता का रिस्पेक्ट करें क्योंकि समय इतना जल्दी निकल जाता है. उनका रिस्पेक्ट करें उनके पैर छुए रोज और उनकी सेवा करें क्योंकि समय निकल जाएगा और एक दिन पछतावा होगा. वो आप उसे वापस नहीं ला पाओगे. उस समय को वापस नहीं ला पाओगे. कोई का पार्ट नहीं है. मैं सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ. आप सीखे और अमल करना है तो आप देखिए आपकी आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. और आप सब घर पे सेफ.